स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सीताफल आइसक्रीम। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसको कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सीताफल आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमको व्हिप क्रीम तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए देखते हैं। ये एक बड़ा कप मैंने क्रीम ली है और आधा कप मैंने आइसिंग शुगर लिए, आधा कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है और ये पहले मैंने बर्तन में आइस की क्यूब डाल के रखी है और इसके ऊपर मैं ये बर्तन रखूंगी और इसमें ये क्रीम डालूंगी। व्हिप क्रीम बनाने से पहले हमको 10 मिनट के लिए क्रीम हमको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी क्रीम थोड़ी ठोस हो जाए और हमको व्हिप क्रीम बनाने में आसानी रहे। तो मैंने 10 मिनट हमको फ्रीजर में हमने रखा है इसको। पहले हम इसको मेल्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हो गई है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे, वापस हम इसको बीट करेंगे। थोड़ी गाढ़ी हो गई है, अब हम इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे, वापस इसको बीट करेंगे। तो देखिए हमारी आइसिंग तैयार हो गई है। आइसक्रीम तैयार हो गई हमारी, अब हम आइसक्रीम बनाएंगे। तो देखिए व्हिप क्रीम हमारी तैयार हो गई है। अब हम आइसक्रीम के लिए हमको क्या क्या सामान चाहिए आइए देखते हैं। आइसक्रीम के लिए मैंने एक कप सीताफल का पल्प लिया है और आधा कप मैंने पिसी शक्कर ली है, एक कप मैंने ठंडा दूध लिया है और एक छोटा चम्मच मैंने वेनिला एसेंस लिया है। तो हम शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाना। तो सबसे पहले हम पल्प डाल देंगे इसमें और इसको हल्के से हिलाएंगे ताकि व्हिप क्रीम में हमारे हवा नहीं भरे। धीरे हल्के हाथ से इसको चलाना हमको। अभी हम वेनिला एसेंस डाल देंगे, फिर इसको हल्के से हिलाएंगे ताकि हमारा ये एसेंस घुल जाए, इसमें मिक्स हो जाए। शक्कर हम डाल देंगे, व्हिप क्रीम में भी हमने शक्कर डाली हुई है तो हम इसमें थोड़ी शक्कर डालेंगे, नहीं तो हमारा ज़्यादा मीठा हो जाएगा आइसक्रीम। अब हम इसमें मिल्क डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए आइसक्रीम हमारी जमने के लिए तैयार हो गई है। अब हम इसको 24 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि अच्छे से जम जाए, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो देखिए आइसक्रीम हमारी जम गई है, अब हम इसको बाउल में सर्व करेंगे। को इसको ढक करके जमाना है ताकि इसके ऊपर बर्फ नहीं जमने पाए। देखिए बहुत अच्छी बनी है आइसक्रीम। तो देखा आपने कितना आसान था सीताफल आइसक्रीम बनाना। आप भी अपने घर पे जरूर बनाएं और अपने अनुभव मुझसे शेयर करें। यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।